हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो एक बहुत ही कमाल की चीज़ पता चली है कि आपकी अगर डीजल गाड़ी है ना, तो उसमें आपको रीजन करना पड़ सकता है। अगर आप कोई ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको गाड़ी थर्ड फोर्थ गियर में चलती है, फिफ्थ गियर नहीं लगता, सिक्स गियर नहीं लगता, तो वहाँ पे आपको रीजन का इशू आ सकता है। और अगर आप रीजन के इशू को टाइमली ठीक नहीं करेंगे, उसको रिमीडिएट नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि आपकी गाड़ी पिकअप छोड़ देगी, आपकी गाड़ी एक्सेलरेट नहीं करेगी, आपकी गाड़ी में कई सारे इश्यूज आ जाएंगे और लाइट भी जल जाएगी। ओबीडी की लाइट होती है कुछ करके, बाकी मेरे में गाड़ी में आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये मैसेज आ रहा है, रीजन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये मैसेज बड़ा बार बार आ रहा है, इसका वो क्लॉक बता रहा है। तो मुझे जो पता चला है इन्फॉर्मेशन, वो हमें ड्राइव अलर्ट्स में आ रहा है ना, तो हमें ड्राइव इन्फो में जाना होगा। ठीक है, हैंड ब्रेक लगा दिए और इसमें जाना है, तो रीजन अपने आप कैसे होगा उन्होंने बताया था, इसमें नीचे जाके ये रीजन आ गया। अब मैं इसको ओके करूँगा तो रीजन अपने आप हो जाएगा। स्टार्ट हो गया रीजन। आवाज देखो कितना कर रही है ना गाड़ी, गाड़ी आवाज कर रही है। मेक श्योर कि आपकी हैंड ब्रेक लगी हुई हो। अब ये कितना टाइम लेगा रीजन? 10 मिनट 15 मिनट लेगा। कोई बात नहीं, लेट हो जाएंगे, लेकिन ये होना भी ज़रूरी है ना। हमें पता नहीं, हमने अभी फ़ोन किया है और जो हमने फ़ोन किया है तो देखिए इन प्रोग्रेस दिखा रहा है रीजन। गाड़ी में आकर आपके पास डीजल की गाड़ी है तो आपको रीजन करना ज़रूरी है। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि जैसे ये मैसेज आए, आप अगर या तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको फिफ्थ गियर में 60 से ऊपर की स्पीड में चलाएं करीब करीब आधे घंटे के लिए, और अगर नहीं कर सकते तो आप ऐसे रीजन कर सकते हैं खड़ी गाड़ी में। क्योंकि देखिए हमारी गाड़ी भी क्या है ना, यहाँ पे ज़्यादातर लोकल ही ज़्यादा तेज़ नहीं चलती, थर्ड फोर्थ गियर से ऊपर फिफ्थ गियर लगाना बड़ा मुश्किल होता है, लगता भी है तो वो कंटिन्यूसली 60 पे आप 15 से 20 मिनट तक नहीं चला सकते ना। तो फिर अब रीजन करने के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता चला है कि अगर हम रीजन नहीं करेंगे तो इसमें और इश्यूज़ आ जाएंगे गाड़ी में। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है रीजन। हाँ, दिस इज वन ऑफ द वेज। देख लो भाई, 7 मिनट ऊपर हो चुके हैं, अभी भी चल रहा है, थोड़ा डर सा लग रहा है अंदर बैठे हुए, स्मेल बड़ी आ रही है गाड़ी में से ना। और मुझे बताया गया कि मेक श्योर करना चाहिए आगे पीछे कुछ होना, तो जयराम जी की बोल के हमने इसको चला दिया है। अब मैं आपको दिखाना भूल गया, ये ना रीजन कम्प्लीट का मैसेज आया, तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया उसने, मेरे हिसाब से 10 मिनट में हो गया कम्प्लीट, 10 से 12 मिनट मैक्सिमम। बट बाहर बहुत स्मेल है, अंदर भी गाड़ी की स्मेल आ गई है काफ़ी सारी। तो मुझे ये बोला गया कि पीछे कुछ कागज़ वागज़ पत्ते पुत्ते ना हो, गर्मियों में ऐसा ना ही करें तो बढ़िया है। मैंने कर लिया, पीछे से काफ़ी हवा निकल रही थी, तो मेक श्योर करें कि कुछ है नहीं, होना नहीं चाहिए गाड़ी के अंदर, मतलब गाड़ी के बाहर पत्ते पुत्ते कोई ऐसी चीज़ जलने जुलने वाली, और हैंड ब्रेक लगी हुई हो और न्यूट्रल में आपकी गाड़ी हो। मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा था, मतलब गाड़ी से बाहर ही निकल जाए, कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी छोड़ सकते हो आप। बट चलो कर लिया, एक अच्छी चीज़ है, एक नई चीज़ सीखने को मिली, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, 1000 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ और गाड़ियों के बारे में नॉलेज जितनी है आपके साथ शेयर करूं। और ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड टाइम अहेड, बाय बाय।